लोकसभा चुनाव 2019 की करारी हार से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अभी उभरे भी नहीं थे कि रविवार को उन्हें एक और तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के विधायक दल का नीतीश की पार्टी जदयू में विलय हो गया है। लोकसभा के साथ बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का खाता बंद हो गया है। उसके दो विधायक ललन पासवान और सुधांशु शेखर के अलावा विधान परिषद सदस्य संजीव श्याम सिंह रविवार को जदयू के सदस्य हो गए। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में रालोसपा का अस्तित्व खत्म हो गया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में रालोसपा के मात्र दो विधायक और एक विधान पार्षद थे। रालोसपा के दो विधायक और एक एमएलसी ने जनता दल यूनाइटेड में विलय के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को 24 मई को ही लेटर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने अर्जी मंजूर कर ली है और इन तीनों सदस्यों का जदयू में विलय हो गया। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में शामिल होने के विरोध में इन विधायकों ने खुद को पार्टी से अलग कर अपना गुट बना लिया था। इस गुट को चुनाव आयोग ने भी राज्य स्तरीय दल की मान्यता दी थी। आज इसी गुट का जदयू में विलय हो गया है। अब ये तीनों सदन के भीतर जदयू सदस्य की हैसियत से बैठेंगे। ललन पासवान चिनारी और सुधांशु शेखर हरलाखी के विधायक हैं। इन दोनों की जीत के साथ बिहार विधानसभा में जदयू विधायकों की संख्या 73 हो गई है। रालोसपा के महागठबंधन में शामिल होने से पहले जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कुशवाहा का साथ छोड़ अपनी अलग पार्टी बना ली थी। इसके बाद महागठबंधन में कुशवाहा के शामिल होने के बाद सीट नहीं मिलने से नाराज सीतामढ़ी के पूर्व सांसद रामकुमार शर्मा ने भी रालोसपा का साथ छोड़ दिया था। रालोसपा की स्थापना उपेंद्र कुशवाहा ने 2013 में जदयू से अलग होने के बाद की थी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 2014 में बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और अपनी तीनों सीटों पर जीत हासिल की थी। तब उपेंद्र कुशवाहा केंद्र के राज्य मंत्री बने थे, लेकिन 2019 के चुनाव से ठीक पहले सीटों की संख्या को लेकर उनकी बात एनडीए से नहीं बन पाई और वे महागठबंधन का हिस्सा बन गए। महागठबंधन ने उन्हें 5 सीटें दी, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। यहां तक कि उजियारपुर और काराकट दो जगह से लड़े उपेंद्र कुशवाहा को दोनों जगह हार का मुंह देखना पड़ा। अब स्थिति ये हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा में अब ना तो कोई विधायक है और ना ही कोई सांसद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।